हाँ तो हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत तुम्हारे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज मैं टाइम करने वाला 26 बेस्ट अल्ट्रा रियलिस्टिक सेटअप पैक, जो कि नो डाउट तुमको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। सारे सेटअप पैक तुम्हारे 1.20 में इजी प्ले हो जाएंगे। एंड इस लिस्ट में सबसे मैंने ट्राई किया एमी सिप्स सेटअप पैक को, जिसका गेम प्ले आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जहाँ पे ओवरऑल सेटअप काफी ठीक ठाक से आपको मिलता है, जहाँ पे जितनी भी लिप्स रहती है उनके काफी मूवमेंट एड हो जाती है। नेक्स्ट तुमको क्लाउड भी ओवरऑल काफी थोड़े रियलिस्टिक टाइप के हो जाते हैं। नाइट व्यू को आपको कुछ ऐसा सा मिल जाता है और इसमें वाटर क्वालिटी कुछ ऐसी मिलती है, पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है, में वाटर क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छी है। एंड नेक्स्ट वाला सेटअप का गेम प्ले आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जहां पे आपको थोड़ा बहुत फोग देखने मिल जाता है। ओवरऑल सेटअप काफी ठीक ठाक सा है। इसको आप लो इन डिवाइस में आप लोग इजीली प्ले कर सकते हैं। आपके मून एंड सन दोनों यहां पे सर्कल में आ जाते हैं टोटली। इसकी नाइट व्यू कुछ ऐसा से मिलता है, इसका पर्सनली नाइट व्यू ओवरऑल काफी अच्छा है, जहां पे आप क्लाउड्स को देख सकते हैं काफी रियलिस्टिक है, जहां पे स्टार्स भी आपको देखने में काफी कूल लगते हैं और वाइस का मौसम आप लोग काम चलाओ ही कह सकते हैं। एंड थर्ड मैंने ट्राई किया यहाँ पे जैक फ्रूट सेडर को, जिसका गेम प्ले कुछ ऐसा मिलता है जहाँ पे जितनी वाइट वाले पेड़ रहते हैं सभी की लीव्स यहाँ पे चेंज हो जाती है और नेक्स्ट तुमको वाटर क्वालिटी कुछ ऐसी मिल जाती है, पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है, जो कि देखने में काफी कूल और काफी अच्छी लगती है। देन तुमको पसंद आई होगी इसकी वाटर क्वालिटी। एंड फोर्थ में मैंने ट्राई किया यहाँ पे OSRD सेडर को, जिसका कलर कॉन्ट्रास्ट ओवरऑल काफी हद तक इंक्रीज कर दिया गया। आपका सेडर काफी कलरफुल लगता है तो देखने में काफी अच्छा जगह सेटअप पे, इसको आप लोग 2 GB एंड 3 GB वगैरह स्मूथली प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल सेटअप पे मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। इसको आप लोग मेरे काफी सारे वीडियोज में आपने नोटिस भी किया होगा जहाँ पे मैंने इस सेटअप का यूज किया है, तो आप लोग भी इस सेटअप को चेकआउट कर सकते हैं। सेटअप काफी अच्छा है, जहाँ पे इसकी वॉइस का मौसम थोड़ा सा फीका हो जाता है, बट ओवरऑल सेटअप काफी ठीक ठाक सा है। एंड फिफ्थ में मैंने ट्राई किया यहाँ पे नाइट्रो सेटअप का, जिसका गेम प्ले आपको कुछ ऐसे से मिलता है। नया अपडेट आया है जिसके से थोड़े से बग्स आ चुके हैं, जिसके से आप स्क्रीन में नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़े से यहाँ पे आपको ग्रीन टाइप की पट्टी देखने मिलती है, जो कि गेम प्ले को काफी बाहियात बना देती है, बट ओवरऑल सेटअप काफी ठीक ठाक सा है, जहाँ पे वाटर क्वालिटी पूरी ट्रांसपेरेंट मिल जाती है, क्लाउड्स भी ओवरऑल काफी रियलिस्टिक हो चुके हैं, तो इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एट सिक्स नंबर में ट्राई किया यहाँ पे सिंपल सेटअप को, जिसका गेम प्ले कुछ ऐसे से मिलता है, जहाँ पे आपको जितनी भी ग्राफिक वो काफी सिंपल रहती है, बट आपको सेटअप काफी अच्छा मिलता है, जहाँ पे आपके FPS बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होंगे, तो इसको आप लो एंड डिवाइस में भी आप लोग इजीली प्ले कर सकते हो। इसकी 22 के मौसम का आपको कुछ ऐसा सा आपको मिलता है। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया यहाँ पे HYRD सेडर को, जिसका गेम प्ले आपको कुछ ऐसा सा मिल सकता है। कुछ लोगों को ज्यादा सेटअप पैक नहीं पसंद आया होगा, बट मेरे को यह सेटअप पैक काफी ज्यादा पसंद आया, जहाँ पे आपको थोड़ा पिंक कलर में फोक देखने मिल जाता है और नेक्स्ट हमको यहाँ पे जितने भी आपके सन एंड मून है दोनों के दोनों यहाँ पे सर्कल में हो जाते हैं। एंड नाइट का व्यू कुछ ऐसा सा मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ठीक ठाक सा है। एंड नेक्स्ट मैंने ट्राई किया यहाँ पे यूनिवर्सल सेटअप पैक को, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट सेटअप पैक होने वाला है, जिसमें आपको वाटर क्वालिटी कुछ ऐसी सी मिल जाती है, देन तुमको वॉइस का मौसम कुछ ऐसा मिल जाता है, जहाँ पे क्लाउड्स ओवरऑल काफी रियलिस्टिक है, इसके जो गेम प्ले है वो भी काफी हद तक कलरफुल देखिए मिल जाता है, तो सेटअप काफी मस्त और काफी इपिक है। इसका नाइट व्यू कुछ ऐसा मिलता है, जो कि आप लोग काम चलाओ कह सकते हैं, बट सेटअप को चलाने के लिए आपसे 4 GB रैम डिवाइस होना जरूरी है। और नेक्स्ट है हमारा रियलिज्म सेटअप पैक, जैसा गेम प्ले आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, सारे वाटर क्वालिटी पूरी ट्रांसपेरेंट मिल जाती है। ओवरऑल सेटअप पैक काफी ठीक ठाक से आप लोग कह सकते हैं, इसको लो एंड डिवाइस में आप लोग इजीली प्ले कर सकते हैं। वॉइस का मौसम आपको कुछ ऐसा सा मिलता है, जो कि ओवरऑल काम चलाओ आप लोग कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा इंटरनल सेटअप पैक, जिसको आप लोग रियलिज्म सेटअप पैक की कॉपी भी कह सकते हैं। ओवरऑल सेटअप पैक काफी ठीक ठाक सा है, जो कि आप इसकी नोट डाउन कर सकते हैं। जितनी भी लीव रहती है उनके काफी अच्छे मोमेंट क्लियर हो चुकी है। इसमें आपको थोड़ा सा फॉग भी देखिए मिल जाता है, जो कि थोड़ी सी इपिक वाइब देते हैं आपके गेम प्ले को, तो उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैंने ट्राई किया LA सेटअप पैक को, जिसका गेम प्ले काफी अच्छा है, जहाँ पे वाटर क्वालिटी पूरी आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाती है, जहाँ पे लीव्स की टेक्सचर टोटली चेंज हो चुके हैं, क्लाउड तुम्हारे भी यहाँ पे काफी रियलिस्टिक हो चुके हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट को काफी हद तक इंक्रीज कर देगा, बारिश का मौसम काफी नेचुरल और काफी अच्छा फील होता है। एंड नाइट व्यू का आपको कुछ ऐसा सा मिल जाता है, जो कि आप लोग ठीक ठाक सा कह सकते हैं। एंड 12th नंबर पे हमारा इपिक सेटअप पैक, जिसका गेम प्ले आपको कुछ ऐसा सा मिल जाता है, जिसमें वो फ्लोर सा टेक्सचर पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर उसमें बारिश का मौसम कुछ ऐसा सा मिल जाता है, जो कि देखने में काफी नेचुरल है और गेम प्ले में जितने भी आपके कलर होते हैं काफी इंक्रीज कर दिया गया है, तो आपको गेम प्ले काफी कलरफुल देखिए लगता है, तो सेटअप काफी मस्त है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसको आप लोग 2 GB को सोचिए आप लोग प्ले कर सकते हैं और इसका नाइट व्यू आपको कुछ ऐसा सा मिल जाता है, जहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट ओवरऑल काफी अच्छा है। और नेक्स्ट मैंने ट्राई किया यहाँ पे BSRD सेटअप को, जिसका गेम प्ले आपको कुछ ऐसा सा मिल जाता है, जो कि आप लोग कि बिल्कुल बाहियात है, बट मेरे को आपको बताना था तो इसलिए इस वाले सेटअप को भी ऐड कर लिया। एंड नेक्स्ट मैंने ट्राई किया यहाँ पे क्लाउड सेटअप पैक को, जिसका गेम प्ले आपको कुछ ऐसा सा मिल जाता है, जहाँ पे आपको मून एंड सन दोनों सर्कल में आ जाते हैं। वो पर्सनली लो एंड वाइस के हिसाब से जरा सेटअप पैक काफी मस्त है, जहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट आपको जैसे काफी हद इंक्रीज हो चुका है, वो थोड़ा सा फॉग भी देखने मिल जाता है। ओवरऑल सेटअप पैक काफी अच्छा है, जहाँ पे वॉइस क्वालिटी काफी नेचुरल सी आपको मिल जाती है। और उसके बाद मैंने ट्राई किया फैंसी सेटअप
पैक को पर्सनली स्टेटर पैक उतना एपिक नहीं है, बट मेरे को यार स्टेटर पैक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके ग्राफिक काफ़ी मस्त है, जहाँ पे बैटर क्वालिटी पूरी ट्रांसपेरेंट मिल जाती है। बट आपको यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बारिश का मौसम थोड़ा सा फीका आपको मिल सकता है, बट इसको 1 GB 2 GB रैम वाले एकदम स्मूथली आप लोग प्ले कर सकते हैं। और हमारा जो अगला वाला स्टेटर पैक उसका नाम है BRDSP स्टेटर, जिससे गेम प्ले आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, थोड़ा सा आपको गेम प्ले यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेटर पैक से मिलता जुलता देखिए मिल जाता है, जहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं एंड यहाँ पे क्लाउड्स काफ़ी रियलिस्टिक हो चुके हैं। देन तो बारिश का मौसम भी काफ़ी नेचुरल सा आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको सनराइज कुछ ऐसा सा मिलता है जो कि देखने में काफ़ी प्यारा है, तुमको नो डाउट पसंद आया होगा। एंड 17 में डाल यहाँ पे डार्क स्टेटर पैक को, जिसका गेम प्ले कुछ ऐसा आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको थोड़ा जो फोग होता है वो पूरा पिंक कलर में देखिए मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी कूल है। असली मेरे को ठीक ठाक सा ही लगे, इतना अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं लगे। इसका नाइट व्यू का आपको कुछ ऐसा सा मिल जाता है, इस बार स्टेटर पैक को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में ट्राई किया यहाँ पे मार्स स्टेटर पैक का, जिसका गेम प्ले कुछ ऐसा आपको मिलता है, जहाँ पे आपको चारों तरफ थोड़ा सा फोग देख के मिल जाता है, वो पूरा ही इन्वायरमेंट आपको मार्स प्लैनेट की तरह देख के मिल जाता है, जो कि आप उसकी डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग हट के थोड़ा गेम प्ले करना है तो इस स्टेटर पैक को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और उसका मैं ट्राई किया यहाँ पे CSRS स्टेटर पैक का, जिसका गेम प्ले काफ़ी प्यारा है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्चर पैक मिल जाता है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट होता है वो काफ़ी तक इंक्रीज हो जाते हैं। देन तुम्हारे क्लाउड्स भी ओवरऑल काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी प्यारे होते हैं। और नेक्स्ट में ट्राई किया यहाँ पे NRRD सीडर, जैसा गेम प्ले आपको कुछ ऐसा मिलता है, जिसमें भी कुछ खास स्टेटर पैक नहीं है, बट आपको थोड़ा सा फोक देखने मिल जाता है और थोड़े पे क्लाउड यहाँ पे रियलिस्टिक हो जाते हैं, ओवरऑल स्टेटर पैक आपको ठीक ठाक सा ही आप लोग कह सकते हैं। एंड मैं नेक्स्ट ट्राई किया यहाँ पे PGRD स्टेटर पैक का, जिसका गेम प्ले आपको कुछ ऐसा मिलता है, इसमें कुछ खास स्टेटर पैक तो नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा आपको फोक एड हो जाता है एंड आपके क्लाउड थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। देन तुम्हारी बैटर क्वालिटी काफी हद तक रियलिस्टिक हो जाती है, जो कि आप इसके नोट डाउन कर सकते हैं। एंड आज का लास्ट वाला स्टेटर पैक है, उसका नाम है KGRD स्टेटर पैक, जिसका गेम प्ले आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा फोग देखने मिल जाता है, आपके सन एंड मून दोनों सर्कल में आ जाते हैं, और सेटर पैक आप लोग ठीक ठाक सा कह सकते हैं। और बाकी के बचे 4 सेटर बिल्कुल ही वर्क नहीं किए, तो उन 10 सेटर पैक को इस वाले वीडियो में मैंने ऐड नहीं किया।